इस मूवी में हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2010 के डिफ़ॉल्ट व्यू के बारे में लर्न करेंगे। जब भी हम प्रोजेक्ट 2010 को ओपन करते हैं तो अगर हमने किसी भी सेटिंग को कस्टमाइज ना किया हो तो हमारे सामने डिफ़ॉल्ट व्यू आ जाता है जो कि गैंट चार्ट व्यू है, जिसमें टास्क टैब सिलेक्ट किया हुआ होता है और इसमें टास्क के मुताबिक हाई लेवल इंफॉर्मेशन होती है, मसलन टास्क नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश डेट, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, प्रेडेसेसर, रिसोर्स नेम और एड न्यू कॉलम का भी एक कॉलम दिया हुआ होता है, जबकि राइट साइड पर गैंट चार्ट अपीयर होता है। अब हम इसमें टास्क को ऐड करेंगे, अब ड्यूरेशन को ऐड करेंगे, और अब स्टार्ट डे को एंटर करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट डे को एंटर किया, ऑटोमेटिकली फिनिश डेट भी एंटर हो गई और गैंट चार्ट एरिया में हमें एक बार भी नज़र आने लगा। अब एक और टास्क को एंटर करेंगे, अब टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, और अब दोनों टास्क को लिंक कर देते हैं। टास्क को लिंक करते ही गैंट चार्ट एरिया में हमें एक एरो नज़र आने लगा। अब हम इसके मोड को चेंज करते हैं, हम इसे मैनुअल स्केजल से ऑटो स्केजल में चेंज कर लेते हैं। इसके साथ ही हमें गैंट चार्ट एरिया में भी कुछ चेंजेस नज़र आने लगी। यहाँ बॉटम राइट पर मौजूद क्विक एक्सेस मेन्यू बटन के ज़रिए भी व्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। पहला गैंट चार्ट व्यू है जिसे करंटली हमारी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट टास्क यूसेज व्यू है, फिर टीम प्लानर व्यू है जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल में होता है, और फिर रिसोर्स शीट है। अब हम दोबारा गैंट चार्ट व्यू में स्विच करते हैं। विभिन्न में मौजूद टास्क टैब और रिसोर्स टैब के ज़रिए भी व्यूज़ को क्विकली अल्टर किया जा सकता है। हम टास्क टैब के गैंट चार्ट के बराबर मौजूद ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भी मेन्यू में से किसी भी व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रिसोर्स टैब पर क्लिक करके और टीम प्लानर के बराबर मौजूद ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भी किसी भी व्यू को चूज़ किया जा सकता है। अब हम दोबारा टास्क टैब के गैंट चार्ट व्यू को चूज कर लेते हैं। हम व्यू टैब के ज़रिए न्यू विंडो को क्लिक करके और दो प्रोजेक्ट को एक साथ भी देख सकते हैं। हम इन्हें साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। इस वक्त हमने करंट प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट किया है, लेकिन हम इसमें नए प्रोजेक्ट को भी ओपन कर सकते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार में व्यू टैब को ऐड करते हैं। व्यू टैब के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भी व्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। अभी हमारे सामने स्प्लिट व्यू है जिसमें टॉप पर टाइमलाइन है जबकि बॉटम में गैंट चार्ट व्यू है। हम टाइमलाइन के चेकबॉक्स को डिसलेक्ट करके टाइमलाइन को रिमूव कर सकते हैं। अब डिटेल पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने दोबारा स्प्लिट व्यू आ गया जिसमें ऊपर गैंट चार्ट व्यू है जबकि नीचे टास्क फॉर्म व्यू है। हम यहाँ से व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। हमने नेटवर्क डायग्राम को चूज़ कर लिया। अगर हम तमाम टास्क को हाईलाइट करेंगे तो हमें टास्क के दरमियान रिलेशनशिप भी नज़र आएगी। इस मूवी में हमने प्रोजेक्ट 2010 के व्यू पैनल को एक्सप्लोर किया और व्यू को कस्टमाइज़ किया।